नमस्कार, एक सेकंड, दो स्तरीय पर और मांगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सर्जरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान कृपा से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, और हम भी आप लोग की कृपा से ठीक ही है दोस्तों। और आपको बोलवे किए थे दोस्तों कि साई का खाड़ी में उठ चुका है कि दो दिन से मौसम कुछ चेंज हो चुका है। 25 तारीख तक मौसम विभाग में घुस जाएगा बादल और आंधी तूफान बरसा सब। अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। एक सेकंड का काम है, जरा सा कर दीजिएगा जाएगा। और चलिए दोस्तों, मैंने आप लोग को ये थंबनेल आप लोग देख ले गए होंगे दोस्तों। थंबनेल में मैंने क्या लिखा है कि कौन सा दो स्तरीय परीक्षा हुआ है, कौन कौन सा जिला का दो स्तर का परीक्षा हुआ है और बाकी जिला क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है। और इसका दो स्तर का जो परीक्षा हुआ है यानी आठवीं स्तर का और नौवीं दसवीं स्तर का, ये जो दो स्तर का एग्जाम हुआ दोनों डेट में हुआ दोस्तों, तीन जिला का। ये तो बहुत जिला बहुत भागशाली है, पुराने नए सबको मिला के दोस्तों ये अपना कैंडिडेट खींच लिया करते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, के रिसर्च सर्च करके मैंने गूगल से निकाल के रखे हैं कॉपी पर लिख के शॉर्ट फ्रेम में। शॉर्ट फ्रेम में करने मतलब पूरा कैंडिडेट का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसका कैटेगरी जो मैंने आपको थंबनेल लगाया उस कैटेगरी के संबंध से मैं आप लोग को ब्लॉग शेयर कर रहा हूं। और चलिए दोस्तों, कौन कौन सा जिला है जो कि दोनों लिया गया उसके बारे में बात करते हैं। पहले ऑनवर्ड और बिफोर, ये ऑनवर्ड और बिफोर का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे तो समझते होंगे, बाकी बात हम भी कुछ बोल ही देते दोस्तों, इसमें मेरा कोई गलती अगर हो तो हमसे क्षमा कीजिएगा। ऑनवर्ड है पश्चात से पहले, बिफोर का मतलब हुआ समय के बाद, ठीक है। तो उस समय क्या है, उस समय के बारे में कैमूर जिला से संबंध में पहले बात करते हैं। 12/12/2012 के पूर्व विज्ञापन वर्ष 2004 एवं वर्ष 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची, तो उसमें तो कितना था 11 था एक्सेप्टेबल रिजेक्टेड दोनों। दिनांक है चतुर्वर्ष की नियुक्ति 2015 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चेक लिस्ट, यानी उसका भी 15 में चेक लिस्ट 88 है, 88 रिजेक्टेड है दोस्तों, यानी वो स्वीकृत हो। दोनों में कारण क्या है दोस्तों कि 2012 के पूर्व यानी 2012 के पहले आवेदन निकाला है, नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाला था, कट ऑफ डेट होगा 12/12/2012 पहले वाला जो है, लेकिन इसमें विज्ञापन वर्ष 2004 का ही के हिसाब से दोस्तों इसे तो 20 साल लगभग, 2023 में जो ऑनलाइन हुआ तो दोनों किया, यानी 2015 वाला भी किया और 2012 वाला भी किया, यानी करें मतलब इस जिला ने पहले भी आवेदन निकाला था आठवीं में 15 में निकाला मैट्रिक स्तर का, इसके कारण से दोनों का आवेदन किसी का बहाली नहीं किया था, जिसका कारण से दोस्तों इस परीक्षा में बीएसएससी के परीक्षा में जो 19/15 का जो डेट सितंबर में ये दोनों को एग्जाम लिया गया, ठीक है, जिसका कि फॉर्म सेलेक्ट हुआ, जिसका से सक्सेसफुल था, यानी करेबर स्वीकृति दे दिया है, और जिसको वो स्वीकृति दिया है जो कि कारण से एज नहीं मिलान हुआ और कुछ कारण से ऐसे सब होगा जो कि उसको रिजेक्ट। और फिर ये कैमूर जिला का 88 आवेदन और 11 आवेदन, 99 कुल आवेदन था, और वहाँ कुल पद था 58 मिला, कुल पद था 58, ठीक है। यह है कि कितना आवेदन पद पर आवेदन के लिए ऑनलाइन किया गया था 2012, और वही आवेदन फिर 15 में। चलिए सहरसा जिला का है, सहरसा जिला में भी है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, यानी 86 रिजेक्ट, यानी 12/12/2012 यानी 12 के पहले वहाँ सहरसा में भी निकाला था आवेदन, लेकिन उसका पूरा डिटेल नहीं दिया है। 12 के बाद जो दोस्तों है, 12 के बाद भी है 42, यानी टोटल मिला के दोस्तों 128 आवेदन रिजेक्ट सहरसा में हुआ है, यानी 2012 के पहले ही है, और 2012 के बाद 2012 के बाद जो है कौन सा है वो भी 15, 16, 17 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 14, 15, 16 यही तीनों का कैटेगरी का पूरा ऑल बिहार निकाला था। 11 जिला के बारे में कल का वीडियो दिए थे, वो लोग नहीं आवेदन निकाला होगा या तो बहाली कर लिया होगा, जिसका कारण से प्रोसेस को आगे नहीं पड़ा। इसमें बिफोर 12/12/12 का है और ऑनवर्ड 12/12/2012 में 42 और बिफोर में 86, यानी पहले भी ये 12 का। यहाँ तक आपको बता, बेगूसराय का बात करते हैं दोस्तों, बेगूसराय में कितना अच्छा से डिटेल दिया है इसका, पढ़े का बता दे, पूरा लेटर अगर देखिएगा तो बहुत सब दिया है, इसे यहाँ का कैटेगरी और आवेदक बहुत है,
लेकिन मैंने उसे मुख बात निकाले परिचारी परिचारी विशिष्ट की रिक्तियां के विरुद्ध कुल 363 आवेदन का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त दिनांक 12/12/2012 के पूर्व 129 आवेदन आवेदन है कि पहले का जो आवेदन था 129 आवेदन था और फिर दिनांक 12/12/2012 के बाद पश्चात यानी कर मतलब 34 आवेदन प्राप्त हुआ था कुल मिला के 363 हो गया। और वर्ष 2014 में विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों की सूची संधारित किया गया था यानी 2014 में जो आवेदन निकाले थे और कर लिया गया था। अब बाद में जो ऑनलाइन किया तो उसमें से 150 आवेदन लगभग फिर उसको मिलान करना पड़ा जो कि सूची से बाहरित करने के बाद सूची से बाहर था वो मिलान करके उसको और स्वीकृत स्वीकृत में डाल दिया। ठीक है दोस्तों यही था दोस्तों। तो कैमूर का सहरसा का बेगूसराय का है ये आप लोग के पास लेटर अगर आप लोग प्राप्त किए होंगे तो उनका जानकारी मिल गया होगा आप लोगों को कि ये तीन जिला जो था 8वीं स्तर का भी एग्जाम दिया था और 10वीं स्तर का भी एग्जाम दिया था दोनों लिस्ट में तीन जिला था 15-15 का मैंने कितने वीडियो में बताया है कि 15-15 जिला है लेकिन 15-15 जिला में दोनों में ये तीनों जिला था डबल डबल करके मैट्रिक भी था और 8वीं वर्ग भी था तो दोनों को मिला के इसलिए 30 नहीं बल्कि 27 जिला ही आवेदन हुआ था जो कि बाकी 11 जिला का कल का वीडियो मैंने डाला था। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यही तक अगर कमेंट कीजिएगा अच्छी से अगर किसी जिला के संबंध में मैंने बता दिया जो जिला वेबसाइट पर दिया हुआ है अगर उस जिला से संबंध में कोई अगर तीनों जिला से पूरा ब्यौरा के लिए अगर कमेंट करते हैं अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा 2-4 कमेंट पर दोस्तों वीडियो बनाने में मजा आने के लिए 2-4 कमेंट में वीडियो को कोई रिसर्च नहीं करेगा। अगर ज़्यादा इस जिला से कोई आवेदक है या समझ से बाहर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी जिला कौन कौन सा जिला का अभी तक नेट पर नहीं दिया है उसका वीडियो कल मैं आप लोग को शायद कोशिश करूंगा शेयर करने का। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूं। तो आप लोग जान गए कि तीन जिला ही 8वीं स्तर और मैट्रिक स्तर का दोनों जिला ही दोनों स्तरीय परीक्षा किस कारण से दोस्तों जो कि मैंने लिखा है कि किस कारण से अदर जिला और जिला भी तो हो सकता है दोस्तों अदर जिला जो भी है तीन जिला को हटा दीजिए 27 में तो 27 में हटा दीजिए तो 24 जिला बचा 24 जिला ने पहले बहाली 2012 के पहले नहीं निकाला होगा वो भी जो भी बहाली निकाला है 24 जिला तो 12/12/2012 के बाद निकाला है जिसके कारण से एक ही आवेदन उनका है और एक ही लेटर एक ही सूची और एक ही विज्ञापन था जिसके कारण से तो ये एक ही आवेदन पर ही असर पर ले लिया। तो आप लोग समझते हैं जो कि विज्ञापन अगर नहीं पहले निकालेगा तो फिर वो लोग को कैसे वो लोग आवेदन दिखाएगा। तो ये 2012 के बाद जो 24 जिला है वो लोग आवेदन एक ही विज्ञापन निकाला था एक ही विज्ञापन से सारे सीट भरने का कोशिश किया होगा लेकिन मामला कोर्ट चला गया कोर्ट का आदेश के हिसाब से अभी जो एग्जाम हुआ है जो आप हैं हम हैं और सब अदर जिला से जो भी आवेदक हैं तो आप लोग समस्या को देख रहे हैं लेकिन समस्या कमेंट बहुत करते हैं तो समस्या को सब समाधान हो जाएगा धीरे धीरे रखिए। अगर एग्जाम सही दिए हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा। बस मेरा यही निवेदन है आपसे भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि सबको कल्याण किया जाए सबको रोजगार दिया जाए। ठीक है तो चलिए आप लोग से विदा मांगते हैं। जय हिंद जय भारत।